प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभु दे नाम दी तारीफ होए हालेलुया खुदावंद दा शुक्र है खुदावंद दा धन्नवाद है इस समय दे लई जो ने साडे जीवन च बख्शिया हालेलुया ये परिवार जो है ये फाजिलका से आया है फाजिलका यहाँ से करीब 200 किलोमीटर होगा बैठो कलाम सुनो हालेलुया 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 रहने हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ये परिवार फाजिलका से आया है और YouTube पर सुनते हैं वचन। यहाँ आने से पहले ये प्रभु को छोड़ने वाले थे, छोड़ने का खुदावंद को त्यागने का योजना बनाए थे और इन्होंने 5 दिन के अंदर मेरे पता नहीं बहुत सारे वीडियो, कितने दिन के अंदर, 5 दिन, 5 दिन में इन्होंने बहुत सारे वीडियोस देखे, कलाम सुना और ये बहन प्रभु को छोड़ने वाले थे और ये भाई ने आपने इनको मेरा वीडियो शेयर किया कि एक बार कहते इसको सुनकर देख लो। उससे पहले तीन सेवक कितने सेवकों से ठोकरें खाई हैं, कितने पास्टरों से ठोकरें खाई, बहुत बहुत सेवकों से ठोकरें खाई हैं और ये मैं आपके सामने इनको इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपके सामने साक्षी हो कि मैं जो बताता हूँ वह झूठ नहीं है। कितने पैसे मांगते हैं मीटिंग करने के लिए घर पे, हैं 4,000-3,000 दोगे तो घर पे प्रार्थना के लिए आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अगर आपने अब नहीं दिए फिर बाद में 8,000 देकर प्रार्थना करानी पड़ेगी। और इनको कितनी बार ऐसे ही दुष्टात्मा खिला खिला के लोगों के सामने कि देखो जी सामर्थ उतर आई है, देखो जी सामर्थ उतर आई है, तमाशे लोगों को दिखा दिखा के और इनके बाल नोचे, इनको थप्पड़ मारे पास्टरों ने, पासवानों ने, ये काम करते हैं। बोलो तो मैं रात को ये आए, शाम को इनको खाना सर्व कर रहे थे तो मैं इनको पकड़ा रहा था खाना, कहते पास्टर जी आप खुद ही पकड़ा रहे हैं, सुबह ये दरिया ये सब सेट कर रहे थे तो कहते आप खुद ही करते हैं, तो मैंने कहा कि करते हैं, कहते हमारा पास्टर हमें, हम यदि ना करें ये काम तो हमें कर्स करता है, क्या ऐसे बोला आपने, अगर है श्राप देता है। पास्टर ने कितने इनको कर्सेस दिए हैं, क्यों बुलाया खुदावन ने हम दासों को। एक समय में कुछ लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, उन्होंने यीशु मसीह को भगा दिया और चेले कहने लगे प्रभु अभी हुक्म दे आसमान से एलिया वाली आग जो है वो उतरे और ये लोग जिन्होंने तुझे ग्रहण नहीं किया ये भस्म हो जाए करके बोलते हैं। तो यीशु मसीह उनको कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुमने कौन से आत्मा पाया है, कौन सा तुम कौन से आत्मा से हो। हमारा आत्मा और एलिया का आत्मा अलग है, जो एलिया को सेवा मिली थी और जो हमको सेवा मिली है अलग है। हम उदाहरणें जरूर लेते हैं, उसके जीवन से सीखते जरूर है, लेकिन एलिया वाला सेवा हमारा नहीं है कि हम लोगों के ऊपर आग गिराएं और लोगों को भस्म करा दें। वी आर कॉल्ड टू ब्लेस, हम आशीर्वाद देने के लिए बुलाए गए हैं। इवन कहता जो तुमको कर्ज करे उनको भी क्या दो बोलो, हाँ जी। और इन इन बच्चों को सेवकों ने ऐसा डरा धमका के रखा है कि तुम ऐसे नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसे नहीं करोगे तो वो हो जाएगा, वैसे नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। ऐसी हालत है, कलीसियाओं के ऊपर चोर और डाकू आकर बैठे हैं। इन्होंने बहन ने सवाल पूछा उस पास्टर से कि बाइबल में से मुझे बताइए कि कहां पर लिखा है कि इतने पैसे लगते हैं संगति कराने के लिए, तो कहते कि वो निरुत्तर हो गया, हाँ जी। इन्होंने मेरे वीडियो शेयर किए, उनको मेरे लिए बोलते हैं कि उन्होंने गाड़ी कहां से ली है, बता दो इन सबको कि आपने दी है मुझे गाड़ी, हैं
बोलो किसने दी है? मेरे पुरखाओं से मिला है मुझे ये घर, ये गाड़ी मेरे बाप दादा का कमाया हुआ, मेरे बाप का कमाया हुआ, मेरे पिता का कमाया हुआ। क्या कभी हमने आपको लूटा? क्या हमने कभी आपको ठगा? क्या मैंने कभी आपकी भेड़ खाई? एक बार तेजपाल ने मुझे बोला कि पास्टर जी घर पे आ जाओ, बकरा बनाया है बकरा। तो मैंने डांट दिया उसको। मैंने कहा मुझे ऐसे नहीं बोलना, मैं बकरे खाँदा फिरदा तड़े, मैं बकरिया ना भुखा। कहता नहीं जी मैंने तो प्रेम भाव से ही बोला था। मैंने कहा फिर ठीक है, समझ में आया। तो ये हाल है कलीसियाओं का, विश्वासी हैं, 5 साल से विश्वासी हैं, दुष्ट आत्मग्रस्त जीवन है। देखा आपने, इससे निकलती उसमें चली जाती, उससे निकलती इसमें चली जाती। 2009 में मैंने एक ऐसा किस्सा देखा था, उसने सुबह रात का मीटिंग था, शाम को 6 बजे मीटिंग शुरू हुआ और कुछ 9 बजे तक मीटिंग चला, और सुबह 4 बजे तक हम उस दो बहनों के अंदर जो दुष्ट आत्मा था, जो जिन भूत था, उसने सुबह 4 बजे तक हमें जगा कर रखा, सुबह 4 बजे तक जगाया। मैं रात को ही समझ गया, जब भी इनके अंदर से दुष्ट आत्मा निकाला, वो बहन पीछे से बोलती कहती मेरा सर भारी हो गया, मेरा सर दर्द होने लग गया। तो मैं खुद थका हुआ था, कल पूरा रात सोया नहीं, जागते रहे, फिर सुबह 2-3 घंटे, इनके आने से 2 घंटे पहले ही मैं सोया, बस वही सोया पूरा। देखो बेड़ा गर्क है कलीसियाओं का। और इन्होंने जब अपने पास्टर से पूछा, पास्टर जी मुझे बाइबल में से दिखाएं कि कहाँ लिखा है कि मीटिंग करने के इतने पैसे लगते हैं, तो पास्टर निरुत्तर हो गया, कलीसिया के बीच में बैठ गया। तो इनको बोलता कि आप उधर बैठ जाओ, मैं इधर बैठ जाता हूँ, आप उधर बैठ जाओ। क्या हो गया अगर सवाल पूछा कलीसिया में से किसी ने, बताओ उनको। आप जो करते हैं यदि बाइबल आधारित होगा तभी ना बाइबल में से निकाल कर पढ़ा पाएंगे। बोलिए बाइबल आधारित काम ही नहीं करते, इसलिए बाइबल में से उत्तर भी नहीं मिलते। तो कहते कि उनको जवाब नहीं आया, वो बहुत क्रोधित हो गए, कहते आप बात करेंगे। मैंने कहा उनको आप ही के सामने उत्तर नहीं आया, मैं क्या बात करूं उनसे, उनको आप ही को जवाब नहीं आया, मैं क्या टाइम वेस्ट करूं उनके ऊपर। तो देखा ये कितना मेहनत है, इनको दुष्ट आत्मा बातें करती है, रात को बता रहे थे। और क्या कहती है दुष्ट आत्मा, जब इनको झंझोलती है, तकलीफ देती है, परेशान करती थी, तो ये बोलते थे कि मेरे को, मैं पास्टर को फोन लगाती हूँ। तो क्या कहती दुष्ट आत्मा, माइक दे, माइक में बोले, पास्टर के बारे में क्या बोलती है? कहती है वो भी साडे ही ने। हाँ, दुष्ट आत्मा कहती है कि वो पास्टर भी तो हमारा ही है, और इनमें से लूसीफर निकालने का दावा किया है। लूसीफर और क्या और है, गोलियत, गोलियत का आत्मा कहते आ गया इसके अंदर, लूसीफर आ गया इसके अंदर। क्यों लूसीफर कैसे आ गया जी, बोलिए लूसीफर कैसे आ गया, लूसीफर इस बहन के अंदर क्यों आएगा, बोलिए। लूसीफर ने यदि आना है तो किसी हाई अथॉरिटी के अंदर नहीं आएगा, वो पॉलिटिकल कुछ आने के लिए, विरोधी मसीह को प्रकट करने के लिए, वो किसी गांव के, किसी नुक्कड़ के, किसी घर में, किसी बैठी बहन के अंदर क्यों आएगा? वो आएगा तो पोप के अंदर आएगा, झूठे नबियों के अंदर आएगा, समझ में आया? वो पिंड में किसी बैठे विश्वासी के अंदर नहीं आएगा। पहली बात तो जंजीरों के साथ बंधे हुए हैं दूध, समझ में आया? कितनी दूर से चल कर आए हैं उद्धार की खोज में, हैं? आशा लगाए हुए कि हमें वहां पर छुटकारा मिलेगा। और आखिरी मौका, आखिरी मौका, कलाम क्या कहता है, दुष्ट आत्माओं को निकालो, कोड़ियों को शुद्ध करो, बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, सुसमाचार प्रचार करो, तुमने सेत मेत पाया है, कैसे दो? सेत मेत दो, फ्रीली यू हैव रिसीव्ड, फ्रीली यू गिव, मुफ्त पाया, मुफ्त दो। हालेलुया, ओ प्रभु रहम कर, हालेलुया। कौन सा आत्मा है ये? हम पिछले पास्टर मीटिंग में ध्यान कर रहे थे, दूसरा आत्मा उतरा कलीसियाओं के दरमियान, कोई और ही आत्मा है, कोई और ही आग है। कौन सी आग है? ऊपरी आग, स्ट्रेंज फायर है। ये जो बोलते हैं ना फायर 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 है,
वो अन्य जाति क्या समझेंगे? जनरल डायर आ गया इनके अंदर। जनरल डायर पता है ना कौन है? और जिसने जलियांवाले बाग में बोला फायर, कौन सी फायर है ये? क्या आपने प्रेरित को फायर प्रेयर करते हुए देखा? क्या आपने पतरस को फायर प्रेयर करते हुए देखा? फायर आई है जी, फायर। और ये गिर गए पीछे। कौन सी फायर है बोलिए? स्ट्रेंज फायर है। मैं वचन में पढ़ रहा था, ध्यान कर रहा था, और कलाम पाक में लिखा है, वो पढ़िए, लेवी व्यवस्था 10 का 1 से पढ़िए। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के दो पुत्रों ने अपना अपना धूप दान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब मैं इनको बोला हूं कि अगर कभी आपका पास्टर भी सामने आया ना, अगर सामना हुआ हमारा, वो भी खेलेगा। मैंने देखा है पास्टरों के अंदर दुष्ट आत्मा बैठा, पादरियों को खेलते हुए देखा मैंने, जिनके हाथों में लोग अपना जीवन पकड़ा देते हैं। यहां पर लिखा है अबीहू और नदाब, ये कौन है? हारून के दो पुत्र। हारून के दोनों पुत्र हैं। इनको सेवा करने का मौका मिला, सेवा करने का मौका मिला तो क्या किया इन्होंने? बाहर एक वेदी है, मंदिर का पता है ना सबनो, मंदिर के बारे में, मिलाप के तंबू, जो आंगन में एक वेदी है, आंगन की वेदी के ऊपर से जलते हुए कोयले इन्होंने लेने हैं धूपदान में। धूपदान में लेकर इन्होंने जाना है भीतर मंदिर के अंदर पवित्र स्थान में, जहां पर धूप की वेदी पड़ी है, और इन्होंने धूप उधर चढ़ानी, खुदावंद के आगे धूप जलानी है, और सुगंधित जो है धूप चढ़ानी है जो खुदावंद ने बनाने के लिए बोला है। तो बाहर जब ये आग उठाए और इन्होंने अपने बर्तनों में डाली, ऊपरी आग थी वो आग नहीं थी जिसका हुक्म यहोवा परमेश्वर ने दिया था, है ना। ये बहुत जरूरी है कि कलीसियाओं का जीवन, पासवानों की सेवा इस कलाम पाक के अनुसार हो, इस वचन के अनुसार हो। अगर हमारी सेवा या कलीसियाओं का जीवन इस वचन के अनुसार नहीं है, आपके ऊपर परमेश्वर की सुरक्षा नहीं है, आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ जो है वो नहीं है, आपके भीतर परमेश्वर का वास नहीं है। सी द स्टैंडर्ड देखा ना, पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों में के, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय में, के किसी अपवित्र वस्तु को ना छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण कर लूंगा, किसी अशुद्ध वस्तु को ना छुओ तो मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा। हालेलुया। ये अशुद्ध वस्तु को ऐसे टच भी नहीं करना अगर खुदावन ने हमें छूना है। और वे पाप जो हम बार बार दोहराते आ रहे हैं, वे गुनाह जो हम बार बार करते आ रहे हैं, दैट्स वेरी फार, वो बहुत आगे बढ़ने की बात है, समझ में आया। तो इधर खुदावन ने एक पैटर्न बताया है, सेवा करने का एक तरीका बताया है। ये बाइबल जो है आपको बताती है कौन सी चीज कैसे करनी है, कौन सा काम कैसे करना है, किस काम को किस तरीके से किस रीति से अंजाम देना है, ये कलाम पाक में लिखा है। आपके जीवन में लागू होने वाली तमाम बातें जो है वो खुदावंद के कलाम में लिख कर दी गई, समझ में आया। पिछले दिनों में हम बात कर रहे थे कि कलाम में बुद्धि है। सबसे पहले परमेश्वर ने क्या बनाया बोलिए? हाँ जी, बुद्धि बनाई है जी। धरती आकाश नहीं बनाया, सबसे पहले खुदावन ने बनाई बुद्धि, और बुद्धि के द्वारा तमाम चीजों को रचा है, और बुद्धि के द्वारा खुदावन ने धरती आकाश को बनाया, चांद तारों को सूरज को बनाया, सारी वस्तुएं बुद्धि से बनी। ये हमारा बॉडी, इसके अंदर एक एक ऑर्गन जो है वो बुद्धि के द्वारा रचा गया है। कहता अद्भुत और भयानक रीति से उसने मुझे रचा, अद्भुत आला बुद्धि से, आश्चर्य से, वंडरफुली ही क्रिएटेड मी इन माय मदर्स वूम्ब, मेरी माता के गर्भ में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आई एम द रिजेक्टेड पीस,
संसार ने मुझे रिजेक्ट किया, संसार ने मुझे त्यागा, दुनिया के लोगों ने मुझे त्यागा, लेकिन खुदावन की योजना थी कि मैं इस धरती पर आता। हालेलुया, खुदावन की मर्जी थी कि मैं इस धरती पर आता। हालेलुया, दाऊद कहता है मेरे माता पिता ने भी मुझे त्याग दिया। हालेलुया, तो बुद्धि के साथ खुदावन ने रचा, कुछ सोच विचार करके मुझे रचा, कुछ सोच विचार करके आपको रचा। आप सबके रचे जाने के पीछे एक मकसद है, एक कारण है। हालेलुया, तो सारी चीजें खुदावन ने एक ऑर्डर के साथ बनाई, बड़ी ही बुद्धि, बड़ी समझ के साथ। आपकी आंखें, आपके होंठ, आपका बोलना, आपके दांत, इन सब का एक एक काम है। इन सब का एक एक काम है। जैसे आप सब उपदेशक 11-12 अध्याय में आप पढ़ते हैं, दांत को पीसने हारी बोला गया है। पीसने हारी जो खाने को चबाती है, हाँ जी, जुबान के विषय में, घुटनों के विषय में, आंखों को झरोके बोला गया है कि झरोकों से धुंधला धुंधला दिखाई देना देने लग गया है। जब तू बूढ़ा हो जाएगा, कहता तुझे कुछ समझ नहीं आने वाला। जवानी जवानी में कहता है कलाम के अनुसार चलो, वचन के अनुसार चलें, खुदावन को याद करते हुए चलें और खुदावन के अनुसार चलें। अभी मौका है आपके पास, जब तक आप ये आवाज सुन रहे हैं, हेलो, जब तक आप ये आवाज सुन रहे हैं आपके पास मौका। जिस दिन ये आवाज बंद हो गई, खुदावन ने आपसे बात करना बंद कर दिया, अब मौका नहीं। इमेजिन करिए, आपका, आप जो इधर के लोकल के संगति के हैं, अगर आपका जीवन ऐसे पकड़ा गया, पकड़ा जा सकता है? बोलिए, बोलो, फैसला कर लो, जे चलना जे थे, चलना जे खुदावन पीछे। आपका जीवन यदि ऐसे पकड़ा गया, तो मैंने तो हाथ खड़े कर देने, मेरे से इतनी मेहनत नहीं होती। ये इतनी मेहनत की है, कलाम बताया, तब आपने मेरी मेहनत की वैल्यू नहीं दी, तब चले नहीं। फिर जब आपको दुष्ट आत्मा पकड़ेगा, मैं आपके लिए दुआ नहीं करूंगा, निकालूंगा नहीं। क्या प्रेरितों ने सिर्फ निकाली है दुष्ट आत्माएं? बोलिए, पढ़ाऊं आपको वचन में, एक व्यक्ति को पौलुस ने शैतान के हाथों में दिया, पढ़ा है वचन में, हैं? शैतान इसको पकड़ ले इसके जीवन, क्योंकि जब सुधरते नहीं, जब चलते नहीं, फिर कलाम पाक कहता है कि वे शैतान के हाथ में दे दिया जाता। हाँ जी, आसमान से परमेश्वर की उपस्थिति में से आग जो है इस वेदी के ऊपर उतरी थी। पढ़िएगा प्रभु के वचन में, लेवी व्यवस्था 9 अध्याय का, मेरे बाद थोड़ी देर भाई एलेक्स कलाम तुम दसन, ठीक है, 24 वचन पढ़े। और यहोवा के सामने से आग निकली, यहोवा के सामने से आग निकली और चर्बी सहित, और चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया। हाँ, चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया। और इसे देखकर, हाँ जी, जनता ने जय जयकार का नारा लगाया, जनता ने जय जयकार का नारा लगाया और अपने अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया, और अपने अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। तब नादाब, हाँ, बस तो ये आग किधर से आई? हाँ, यहोवा के सामने से आई थी। हालेलुया, इसका 6:12-13 वचन पढ़िएगा। वेदी पर अग्नि जलती रहे, वेदी पर, ये जो वेदी थी, कहता इस पर आग जो है वो जलती रहनी चाहिए और कभी बुझने ना पाए, और ये आग कभी बुझने ना पाए। और याजक, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर, हाँ, इस आगनु की करते रहना, प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर, एवरीडे उन्ना दे उत्ते लकड़ा पा के उस आगनु जलदे रखना है। आग बुझन नहीं देनी, क्योंकि ये आग कितों आई थी? ये यहोवा के सामने से आग आई थी, इसलिए इसको जलते रखना है। फिर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को, हाँ, उसके ऊपर सजाकर धर दे, हाँ जी, और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे, हाँ जी, वेदी पर आग लगातार जलती रहे, हाँ जी, वे कभी बुझने ना पाए। हाँ, अन्न बलि की व्यवस्था इस प्रकार है, बस तो ये आग बुझने ना पाए, ये जलती रहे। हालेलुया, इसके साथ 16 अध्याय 12-13 वचन पढ़िए।
और जो वेदी यहोवा के सम्मुख है हाँ। उस पर के जलते हुए कोयलों से भरे हुए धूपदान को लेकर हाँ। और अपनी दोनों मुट्ठियों को कूटे हुए दोबारा पढ़े और जो वेदी यहोवा के सम्मुख है और जो वेदी यहोवा के सम्मुख है उस पर के जलते हुए कोयलों से हाँ जी भरे हुए धूपदान को लेकर हाँ। और अपनी दोनों मुट्ठियों को कूटे हुए सुगंधित धूप से भरकर कोयले किधर से लेने बोलिए उसी आग में से जो आग यहोवा के सामने से जिस वेदी के ऊपर उतरी है उसी में से कोयले उठाकर उनको कूटकर धूपदान में डालना है और अपनी दोनों मुट्ठियों को कूटे हुए सुगंधित धूप से भरकर हाँ। बीच वाले पर्दे के भीतर ले आकर हाँ। उस धूप को यहोवा के सम्मुख आग में डालें हाँ। जिससे धूप का धुआं साक्षी पत्र के ऊपर के प्रायश्चित के ढकने के ऊपर छा जाए हाँ। नहीं तो वह मर जाएगा हाँ जी नहीं तो वह मर जाएगा मर जाएगा। अब पता नहीं क्या हुआ ये इनसे आग शायद वो बुझ गई और इन्होंने दूसरी कोई आग चढ़ा दी जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी। तो उसी वक्त यहोवा परमेश्वर ने स्ट्राइक किया। ये आग आसमानी आग थी, ये आग रूहानी आग थी। हालेलुया। यही आग जो है पेंतिकॉस के दिन 120 जन जो ऊपर के कमरे में प्रार्थना कर रहे थे उनकी जुबानों पर दिखी। यही आग, वो भी किधर से आई? वो भी ऊपर से, एक सहायक को भेजेगा। किधर से? आसमान से, स्वर्गीय सहायक। हालेलुया। वे आग के रूप में उनकी जुबानों पर आकर बैठी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप फिर देख लीजिए उनकी सेवा, उस आग के द्वारा उन्होंने कैसी सेवा की है, उस जुबान पर जो आग उतरी है उस आग के द्वारा उन्होंने कैसा प्रचार किया। और आज जो प्रचार आप देखते हो, आज जो वर्शिप आप देखते हो, आज के जो काम आप देखते हो, सेवा का मॉडल जो आप देखते हो, वो टोटली डिफरेंट है उस आग से जो खुदावंद के भक्तों के ऊपर उतरी थी। ये हमने डिजर्न करना है, पहचान करनी है कि जिसको हम सुन रहे हैं उसके ऊपर जो आग उतरी उसकी जुबान पर वो कौन सी आग है, वो स्वर्गीय आग है या उसकी खुद की जलाई हुई आग है नहीं? आज सुबह मैं एक वीडियो शेयर किया फेसबुक पे, एक छोटा सा नौजवान लड़का बाइबल पकड़ी है और पीछे गाना लगा मिर्जा वाला, असी यस्सू नूं मनन वाले हाँ, और जा रहे स्टेज देते पूरी टोर दे नाल, छोटा सा बच्चा है वो। ये बताओ कितने साल का होगा ये? हैं 14-15 साल का। कलाम कितने साल इसने सीखा होगा, कितने साल ये सेवकों के अधीन रह कर चला होगा। सावधान हो जाइए, ऐसे बच्चों के हाथ में कलीसिया जो है वो आ चुकी है। ये वो लोग हैं जो कल तौबा किए और अगले दिन पास्टर बन जाते हैं, ठीक है ना? आज तो मैं पास्टर, खुद ही अपने आप ही, आज तो मैं पास्टर, आज तो मैं पादरी। ना कलाम सीखा, ना जीवन के कुछ हालातों में कुछ अनुभव पाए, किसी के अनुभव पकड़ पकड़ कर प्रचार करते जा रहे। वहां पर एक सेवक गया, उसने ये अनुभव किया, वो उसका अनुभव है। आपने क्या अनुभव किया खुदावन के साथ? उम्र ही क्या है बताइए अनुभव करने की? ठीक है नौजवान है तो खुदावन के पीछे चलना अच्छी बात है, लेकिन कलीसिया का जिम्मेदारी है ऐसे बच्चों के हाथ में, ये खतरनाक बात है। ठीक है, ये खतरनाक बात है। ठीक है, मैं आपको बताऊं, ये बड़े बड़ी मिनिस्ट्रीज अंदर से खोखले हैं। ये अंदर से क्या है? खोखले। आपको देखते हैं, आपको दिखते हैं हैं? हाँ नहीं, माइक पकड़कर लोगों के अंदर से लूसीफर निकाल रहे हैं। लोगों को, दुष्ट आत्माओं को पूछते हैं, तुझे पता है मेरा क्या अधिकार है स्वर्ग में? वो फिर दुष्ट आत्मा बोलती, तू स्वर्ग में बड़े ऊंचे अधिकार पर है। वो चार लोग कहते, वाह हमारे पास्टर का अधिकार तो बहुत ऊंचा है। बहन है, बहन
उसका पति व्यभिचार है, व्यभिचारी है। औरत उसको अपने पास नहीं आने देती, कहती मैं प्रार्थना में हूं, तो आदमी जाता कहीं और व्यभिचार करने। उसका बेटा खुद क्वायर की एक लड़की के साथ अफेयर में पकड़ा गया, लेकिन चर्च के अंदर ही ये सारी बातें दबा दी जाती हैं, लेकिन जो है वो ये कब तक छुपा रहेगा, कब तक छुपा रहेगा है? उन्हीं के एक वॉलंटियर ने ये मुझे बताया, रो रो के बताया, रो रो के। समझ में आया? जिनको आप YouTube Facebook पर देखते हैं, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां, बहुत भीड़ है सामने उनके, और मैं डरता हूं कि कलीसिया कैसे डाकुओं के हाथ में है। ये बहन मुझे बोली कि मैंने पास्टर बनना है, मैंने कहा बहने पास्टर नहीं बन सकती, आप सुसमाचार प्रचार कीजिए। कलीसिया की जिम्मेदारी जो है वो बहनों के कंधों पर नहीं है, ये गंभीर जिम्मेदारी है। क्या ये अच्छा लगेगा एक बहन पुरुषों को डांट रही हो है? एक पुरुष जो है वो पुरुषों को भी डांटेगा, वो बहनों को भी डांटेगा। तो ऐसा हाल है सेवा सेवकाइयों का, ये हाल है। मुझ में अब बोलने की ताकत नहीं है, मैं घटता जा रहा हूं। संभल कर चलें खुदावन के पीछे, देखें कौन सी आग है। फिर इन्होंने बताया कि पास्टर भी बुरी नजर रखता है इनके ऊपर। वसी यसु नु मनन वालेयां, प्रभु आ जाए जल्दी और खत्म कर दे सारी कहानी है, और सारा सारियां चीजां खुदावन वक्रियां वक्रियां करके जता दे सारे, दिखा दे परमेश्वर कि जिन्हां नु असी, मैं कहना है कि ये जोर सारा पूरा कलीसियावां नु भरंदा है, कलीसियावां नु भरंदा है। समझ में आया? तो ये वाह वाही लूटी जाती है सेवकों के द्वारा, ताकि भीड़ जमा हो, किसी ना किसी बहाने से मेरा भवन जो है वो भर जाए। पास्टर का ही होता भवन, परमेश्वर नहीं होता उसके अंदर। बोलो ये इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बन रही किसकी है, किसके नाम पे है, कौन है अधिकारी इन बड़ी बड़ी इमारतों का? पास्टर के नाम पे। कलीसिया का क्या है? ठेंगा, आपका ठेंगा है। आप जो 30-30, 40-40 हजार, 50-50 हजार, लाख लाख रुपया आपने दिया है भवन बनाने के लिए, यहोवा का भवन, वो पास्टर का भवन है। वो क्या है? पास्टर का भवन। और यीशु आएगा और वह अपनी कलीसिया को उठाकर ले जाएगा, ऐसे आग झपकते ही फट से, जैसे बिजली आकाश की एक दिशा से दूसरी दिशा में जितने सेकंड में जाती। आप कहते ओ बिजली आ रही, मैं फटाफट वीडियो बना लूं बिजली की, और जितने में कैमरा आपका खुलता है उतने में बिजली गायब, स्लो मोशन बना लूं बिजली कड़कती हुई, और जितने में कैमरा खुलेगा उतने में बिजली गायब। यीशु मसीह आएगा और कलीसियाओं को यूं ले जाएगा। लेकिन ये ऐसी बड़ी बड़ी जो संगतियां हैं, ये फिर भी भरी रहने वाली, ये फिर भी भरी रहेंगी। तब मालूम पड़ेगा, तब मालूम पड़ेगा कि कौन खुदावन की सच्ची खिदमत करता था। बहुत सारे पासवान, बहुत सारे पास्टर्स आपको ऐसे ही दिखने वाले हैं यहीं पर, जिनके पास आप संगतियों के लिए जाते हैं। यीशु मसीह का आगमन होगा, आप भी इधर रह जाएंगे, आपका पास्टर भी इधर रह जाएगा, और तब आप पास्टर जी से जा, पास्टर जी आप भी इधर बोलो। मुझे कोई बता रहा था, कहते जी पास्टर कहते हमारा खुद बोलता है कि हमें पता नहीं कि हम जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे। पास्टर कोई विश्वास नहीं है, कलीसिया उसकी कैसे जाएगी? बोलिए, ये मुझे किसी ने बोला पिछले दिनों में, अब मुझे याद नहीं इनमें से किसी ने बोला या किसी ने मुझे बोला, किसी ने तो मुझे बोला। हाँ, ओ चंडीगढ़ वाले कहते जी पास्टर खुद बोलता है कि हमें तो पता नहीं प्रभु हमें लेकर जाएगा कि नहीं लेकर जाएगा। ये पास्टर की बातें हैं, देख लीजिए। तो ऐसे के साथ यदि आप चलेंगे तो आप भी ऐसे ही हैं, फिर पता नहीं फिर आपका भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और जिस दिन आगमन घटेगा ना, बड़े लोगों को तो भय होगा, वो ये क्या हो गया, हम रह गए इधर,
बड़े लोगों को टेंशन होगी, और जो धर्मी होने का बड़ा दिखावा करते हैं तो कुछ लोग जो बुराई में चलते रहे कलीसिया में रहते हुए भी, वो उनको देख देख कर हंसेंगे कि मैं तो रहना ही था, तू भी रह गया। जरा इस स्थिति को याद करें, इमेजिन करें कि वो पल कैसा होने वाला। वो शर्मिंदगी का पल होगा जब चार लोग जिनके बीच में आपने खड़े होकर बातें बोली हैं और उनके सामने आप इधर ही रह जाए। खुद का जीवन ठीक नहीं था और लोगों को बोलते थे ठीक हो जाओ ठीक हो जाओ ठीक हो जाओ, वो पल कैसा होगा? वो पल कैसा लज्जित करने वाला होगा, शर्मिंदा करने वाला होगा कि जिनको आप बोलते थे तुमने रह जाना है तूने रह जाना है, वो सामने से बोलता पास्टर जी आप भी रह गए। ये घटने जा रहा है बहुत जल्द। संसार में यीशु मसीह के आगमन के चिन्ह दिखाई देते हैं, और जिस तरीके से खुदावंद इन दिनों में मुझे अपने हाथों में लेकर चल रहा है, मैं ईमान करता हूं कि ये अंतिम रिवाइवल का समय है, अंतिम बेदारी। क्यों आएगा कोई 200 किलोमीटर से चल के इतनी दूर? ये होशियारपुर से, वो लुधियाना से, ये फाजिलका से है? कोई माछीवाड़े से आता है, कोई कहीं से आता है। क्यों आ रहे हैं ये इतनी दूर निकल के क्यों आ रहे हैं? देख लीजिए, अब आप ही में से कुछ हैं जो कहते कि नहीं जी बहुत दूर है जी, आ नहीं हुंदा जी, बहुत दूर है जी। मैं आपको बोलता हूं संडे को काम नहीं करना। मेरे पापा कई बार मुझे बोलते कि लोग, कई पास्टर तो बोलते कि जाओ काम करो, काम करोगे तो दशवंद दोगे। ये कैसा पास्टर है जो लोगों को काम ही नहीं करने देता? कहते पास्टर तो कहते ठीक है काम करो आप, और दशवंद निकाल दिया करो उसका। लूटते हैं लोग, उनकी आंख सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे के ऊपर, आपके रुपए के ऊपर। हमें चाहिए आपका जीवन। हमने जो काम इधर अधूरा छोड़कर जाना है वो आगे पूरा करने वाला कोई होना चाहिए। ये भाई मैं एक फोन करता हूँ, ये भाग्य आ जाते हैं, प्रभु का दास पास्टर एलेक्स, एक फोन करता हूँ भाग्य आ जाते हैं। आपके पास तो बहाने ही पड़े हैं, पास्टर जी आ काम पै गया, पास्टर जी वो काम पै गया। ये बोझ तक किसे खिदमत करने वाले नहीं आ सकता। तो जरूरी है कि आप संभल कर चलें, ध्यान से चलें, और सब चीजों को जांच परख कर चलें, देखें अपने जीवन को।